सिवारा के लोकमणि डिग्री कॉलेज में छात्रों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कॉलेज में धरना दिया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज द्वारा समय समय पर वसूली की जाती है। छात्रों का ये भी कहना है कि पहले तो कॉलेज कम फीस और ज़्यादा सहूलियतें देने की बात कहते हुए छात्रों का प्रवेश ले लेते हैं और फिर समय समय पर उनसे अवैध वसूली करनी शुरू कर दी जाती है। अब परीक्षा फॉर्म में पैसे लेने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कॉलेज में धरना शुरू कर दिया और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद कॉलेज ने पुलिस बुला ली। छात्रों की पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हुई। छात्रों ने कॉलेज द्वारा बढ़ाई गई फीस कम न करने तक धरना देने की बात कही है। कोई अगर तुम्हारा मेन आदमी जिम्मेदार आता तो उसे हमने जाकर अंदर बैठा देते और प्रिंसिपल साहब को भी बुला देते। ठीक है, ऐसा तो कल को तुम खड़े हो जाओ, तुम भी वही हो जाओ। कोई आदमी वो लो, ये नहीं होता कि आके धरना प्रदर्शन बहुत देर हो गई। मैंने आपसे ही कहा था यार, चलो यार आज का वो कर लो, उसी दिन भी तुम कोई अपना मेन अधिकारी बुला लो, जो आपका मेन पेन मेरे को इसी एक दिन का टाइम रख लो, खाने में परमिशन ले लो अपनी, प्रबंधक से बोल दो उस दिन धरना प्रदर्शन करे, उस दिन अपनी मांगे रखो, सपोर्ट रहेगी आप, लेटे बैठना, कोई परेशानी नहीं होगी, लेटे बैठना। सर, मेरा नाम तुषार प्रजापति है और मैं लोकमणि डिग्री कॉलेज में एमकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। और इसमें सर क्या है कि प्रीवियस ईयर की भांति, यानी पिछले साल इन्होंने 5,000 रुपए लिए थे, इस बार इन्होंने उस फीस को बढ़ा करके 10,000 कर दिया। प्लस अलग से ये बोल रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म अपने पास से ऑनलाइन कराना होगा। सर ऐसा कहाँ होता है, ये तो छात्रों के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी है, उनके साथ अवैध शुल्क वसूला जा रहा है। और यदि विद्यार्थी कोई कॉलेज में आकर के इस बात के खिलाफ अपनी आवाज को उठाता है तो ये उसकी आवाज को दबाने के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर चीख करके चिंगार करके उनकी आवाज को दबाया जाता है। मेरे पास पक्का सबूत है, वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष अस्तोगी है, मैं जिला संयोजक राष्ट्रीय कला मंच एबीवीपी से हूँ। अच्छा, आज ये एलएम कॉलेज में आप किस चीज के लिए आप जो है? जी, मैं आपसे बताता हूँ, जो पिछले वर्ष यहाँ पे 5,000 रुपए फीस ली जा रही थी छात्रों से, एम कॉम हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, तो उसकी इस बार उनकी डबल कर दी गई है, 5,000 की जगह सीधे 10,000 रुपए फीस कर दी गई है। उसमें वाइवे के कहते हैं 2,000 रुपए हमें वाइवे के चाहिए, 1,000 रुपए हमें इस चीज के चाहिए, अगर कोई बच्चा फॉर्म जमा करना आता है तो मुझे 200 रुपए उस फॉर्म के जमा करने के चाहिए, और कॉलेज ऑनलाइन कराने जब जाएगा तो 100 रुपए वो लेगा। तो भैया छात्री तो है, छात्रों को बिल्कुल चमड़ी उधेड़ थोड़ी देंगे, वो बेचारे सुबह से घर से निकले हुए शाम को घर लौटते हैं तो उनकी बिल्कुल इन्होंने चमड़ी उधेड़ रखी है, बिल्कुल छात्रों का शोषण कर रखा है, छात्रों का शोषण हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा, क्या है हमें यहाँ 10 दिन बैठना पड़ेगा, 20 दिन, जब तक छात्रों की फीस बिल्कुल हमारी सही नहीं हो जाएगी, जब तक हम छात्र पे धरने पर बैठे रहेंगे। विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिले भर में प्रदर्शन करेगा।